हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9 अलजेब्रा, लेसन नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रैक्टिस सेट 6.2 बेसिक पार्ट। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम लोग इसमें 6.2 का बेसिक पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स डिस्कस। यहाँ पे सर पूछ रहे हैं, हुज पेरेंट्स पे टैक्सेस, किसके पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लड़का क्या बोल रहा है, माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक फार्मर है, किसान है। ही डज नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम से जो भी इनकम होती है उससे उनको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। फिर ये लड़की क्या बोल रही है, आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड्स अ सर्विस टैक्सेस, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, हमारी जो लाइट बिल होती है, लाइट बिल में हमारा टैक्सेस जो होते हैं वो इंक्लूड होकर के आता है। फिर यहाँ पे ये लड़की क्या बोल रही है, माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी क्या है, डॉक्टर है। ही पेस इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, वो इनकम टैक्स भी पे करते हैं और पीटी प्रोफेशनल टैक्स भी पे करते हैं। ये लड़की क्या बोल रही है, माय मदर इज अ टीचर एंड सी पेस इनकम टैक्स। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये क्या पे कर रहा है, ये इनकम टैक्स पे कर रही है, ये इनकम टैक्स प्लस प्रोफेशनल टैक्स दोनों पे कर रहे हैं और इसके पिताजी कुछ भी टैक्स नहीं पे कर रहे। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारा टैक्स इंक्लूड होकर के आता है। तो यहाँ पे देखो, टैक्स क्या है, विच आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाओगे www.incometaxindia.government.in पे या तो www.mahavat.government.in पे या www.gst.government.in पे। ये तीन वेबसाइट दिया गया है, ये तीनों वेबसाइट पे जाकर के देखोगे तो आप लोगों का टैक्स के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, लेविंग ऑफ टैक्सेस और टैक्सेशन, मींस गवर्नमेंट हमको कितने प्रकार के टैक्सेस लगाती है, क्यों लगाती है, किस तरीके से हमारे ऊपर टैक्स चार्ज करता है वो। द गवर्नमेंट मेक्स मेनी प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे जो कंट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्लान्स बनाती है। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दीज स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट प्लान बनाती है उसके लिए उसको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट चाहिए। गवर्नमेंट प्लान बनाएगी ठीक है, बट उसके लिए प्लान बनाने के लिए पैसा भी चाहिए, और पैसा वो कहाँ से, बाय चार्जिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस द फंड्स आर जनरेटेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स। जो गवर्नमेंट अपना स्कीम बनाती है, अपना प्लान बनाती है, उसको सक्सेस करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और पैसे कहाँ से गवर्नमेंट को मिलेगा, तो पैसे कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आम पब्लिक के ऊपर टैक्सेस लगाती है, मीन्स हमारे ऊपर वो टैक्स लगाती है बहुत सारे। देखो, बाय चार्जिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, हमारे ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाती है टैक्सेस के लिए। हमारे ऊपर टैक्सेस तो लगते हैं, बट उस टैक्स के पैसे से क्या क्या गवर्नमेंट करती है, जैसा फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज, हमको बेसिक जरूरतें और इंफ्रास्ट्रक्चर हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीजें। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, हमारे लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाती है। इम्प्लीमेंटिंग स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन द वेरियस फील्ड, हर एक अलग अलग फील्ड में बहुत सारे डेवलप करती है, रिसर्च करती है। फिर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून वगैरह होता है, जो गवर्नमेंट का कोर्ट वगैरह है, उसमें भी वो बहुत सारे मेंटेनेंस लगते हैं। गिविंग एड टू पीपल अफेक्ट बाय द नेचुरल डिजास्टर, अगर कोई जो हमारा जो पीपल है, जो हम हैं, वो क्या कहते हैं, अगर नेचुरल डिजास्टर से अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और डिफेंस टू द कंट्री एंड इट्स सिटीजन, जो हमारे हमारे आसपास में हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो भी सैनिक है, सोल्जर है, उनके लिए पेमेंट या उनके लिए पैसे कहाँ से आएगी, ये जो हम टैक्सेस वगैरह पे करते हैं उसी से आती है। मतलब हमारे टैक्स का ये सारी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हम टैक्स पे करते हैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग कितने टाइप्स के टैक्स पे करते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्सेस लिखा हुआ है, तो फर्स्ट है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। मीन्स डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया, वो टैक्स जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली भरते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया,
हम ये भी टैक्स पे करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली हमको पता नहीं रहता है कि हम ये टैक्स पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, टैक्स विच आर पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर्स और कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, कौन कौन सा हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, ये सारी चीज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस विच आर नॉट पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर्स, मीन्स हम टैक्स पेयर है तो हम इसको डायरेक्टली नहीं पे करते हैं, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। अब हम लोग देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, इफ द इनकम अर्नड इन इंडिया बाय एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट और ऑथराइज्ड इंडस्ट्रीज एक्सीड्स द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इट। चाहे हम अकेले कमाते हो या कोई इंस्टीट्यूट का कमाता हो या कोई इंडस्ट्री से कमाता हो, कहीं से भी कमाता हो, अगर उसका इनकम आ रहा है तो इनकम टैक्स का एक्ट क्या बोलता है कि इनकम टैक्स उनके ऊपर लगेगा। इनकम अगर आ रही है, कहीं से भी इनकम आए, तो वो इनकम हमारे ऊपर लगेगा, इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगेगा और हमको वो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली दोज टैक्सेस विच आर टू बी पेड बाय इंडिविजुअल्स। इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल का देखेंगे, मीन्स एक इंसान, ओनली वन पर्सन का हम लोग टैक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इनकम टैक्स इज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगाती है। इनकम टैक्स इज लेविड अंडर एज अ फॉलोस टू एक्ट, यहाँ पे टू एक्ट दिया गया है। फर्स्ट एक्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, मीन्स ये कानून बना इनकम टैक्स एक्ट 1961, और वो हमारे ऊपर लागू कब से किया गया, 1 अप्रैल 1962 से। और सेकेंड क्या है, द एक्ट पास्ड एवरी ईयर बाय अ पार्लियामेंट। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, पार्लियामेंट में बजट पेश किया जाता है, तो हर एक ईयर में उसका जो फाइनेंशियल प्रोविजंस होता है, जो फाइनेंशियल बजट होता है, वो हर एक साल में पार्लियामेंट में बजट पेश होता है, और उसके बाद से हर एक साल हमको यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में कुछ अलग अलग जानकारी इसमें मिलती है। एवरी ईयर समटाइम इन फेब्रुवरी द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। हर एक साल में फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो बजट पेश करता है अगले साल के फाइनेंशियल ईयर के लिए। इट हैज अ प्रपोजल फॉर द इनकम टैक्स रेट, और ये जो बजट आती है इससे क्या होता है, इनकम टैक्स का रेट डिसाइड होता है। वंस पार्लियामेंट पास द बजट, द प्रपोज्ड रेट्स बिकम एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग ईयर। अगर एक बार पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बजट में इनकम टैक्स का रेट जो है पास हो गया, तो वो एप्लीकेबल हो जाता है, उसके लिए लागू कर दिया जाता है। इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड एवरी ईयर इन द बजट। इनकम टैक्स का जो रेट होता है वो हर साल बजट में फिक्स कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो, सम इनकम टैक्स रिलेटेड टर्म्स, मतलब यहाँ पे क्या, इनकम टैक्स अगर हम लोग पे करते हैं तो रिलेटेड टर्म्स क्या होगा। जैसे यहाँ पे एन असेसी है, फाइनेंशियल ईयर है, और असेसमेंट ईयर है। तो असेसी कौन होता है, असेसी ये होता है जो पे करता है, मीन्स हम लोग जो पे ही रहते हैं। हम लोग अगर पे करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, असेसी हो जाएंगे। एनी पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स रूल्स इज अ टर्म एन असेसी। जिस भी इंसान के ऊपर इनकम टैक्स बैठता है, या बोल सकते हो कि इनकम टैक्स वो पे करता है, वो क्या बन जाता है, असेसी बन जाता है। और फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, द पीरियड ऑफ वन ईयर ड्यूरिंग विच टैक्सेबल इनकम हैज बीन अर्नड इज कॉल्ड अ फाइनेंशियल ईयर। इन आवर कंट्री एट प्रेजेंट द फाइनेंशियल ईयर इज अ फॉर्म 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे कंट्री में क्या होता है, जिस समय पे अगर सपोज हम 1617 में, मीन्स 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक अगर हमने पैसे कमाए, ये पीरियड में अगर हम पैसे कमाते हैं, तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 1718 हो जाएगा। मतलब हम पहले कमा लेंगे, कमाने के बाद जब हमारी इनकम आ जाएगी उसके नेक्स्ट ईयर में हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो असेसमेंट ईयर क्या है, द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर फाइनेंस ईयर इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। जो ये 1617 रहेगा, 1617 ईयर के जस्ट बाद वाला जो ईयर रहेगा, मीन 1718,
ये हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा। द टैक्स पेएबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मीन्स अगर हो गया 17-18 में हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, 17-18 ईयर में हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, तो कौन से ईयर का करेंगे, 16 और 17 का करेंगे। मतलब 16-17 में जितना भी हम लोग ने कमाया रहेगा उसका इनकम टैक्स हम कब भरेंगे, 17-18 में भरेंगे, और 17-18 में जो इनकम हुआ रहेगा उसका कभी भरेंगे, 19-20 में भरेंगे, 19-20 का जो इनकम हुआ रहेगा वो कभी भरेंगे, 20-21 में भरेंगे। मीन्स हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है एक साल पीछे रहता है और असेसमेंट ईयर जो रहता है एक साल आगे रहता है। जो आगे रहेगा वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा, और जो पीछे रहेगा वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो वही दिया गया, अगर 16-17 का है, 16-17 का है, तो 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 तक रहेगा, और उसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 16-17 था तो 16-17 का क्या हो गया, 17-18 हो गया। फिर 17-18 का कब से इनकम होगा, 1 अप्रैल 2017 से इनकम होगा और 31 मार्च 2018 तक होगा, और इसका जो असेसमेंट ईयर बनेगा क्या बनेगा, 18-19 बनेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे 2018-19 अगर फाइनेंशियल ईयर होता है, यहाँ पे हम इनकम कमाते थे, तो असेसमेंट ईयर क्या बन जाता था, 2019-20। अब यहाँ पे देखो परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, पैन नंबर आप लोगों को पता ही होगा, देखिए ये है पैन कार्ड, या इसको बोल सकते हैं पैन नंबर। तो ये जो ये है देखो, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर है, मीन्स हमारा पैन नंबर है, ठीक है। देखो पी ए एन, पैन, पी परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये जो 10 डिजिट का पैन नंबर है ये आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा। ऑन अप्लाइंग फॉर इट, अगर हम लोग ने पैन नंबर के लिए अप्लाई किया है, एवरी टैक्स पेयर गेट्स अ यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसमें जब भी हमारे पास टैक्स पेयर होते हैं, जो भी हम टैक्स पेयर हैं, जो भी टैक्स पे करता है, उसके लिए जो परमानेंट अकाउंट नंबर बनता है, पैन नंबर बनता है, वो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इश्यू किया रहता है। वी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दिस नंबर्स इन मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम लोग करने लगते हैं, या बैंक में कहीं पे पैसे हम जमा करते हैं, डिपोजिट करते हैं, या निकालने लगते हैं, तो हमको पैन कार्ड का नंबर देना ही पड़ता है। यूज ऑफ पैन, पैन कार्ड का यूज क्या है, देखो इट इज अ बाइंडिंग टू राइट अवर पैन ऑन द चलान यूज फॉर द पेइंग अवर इनकम टैक्स टू द आईटी डिपार्टमेंट और अवर इनकम टैक्स रिटर्न एंड अदर ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस। मीन्स हम लोग आईटी डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय या इनकम टैक्स पे करते समय, उसके चलान भरते समय ये पैन कार्ड यूज होता है। पैन कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। पैन कार्ड को हम लोग आईडी कार्ड के लिए भी यूज करते हैं।